अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 2। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ऑटो कैड को डाउनलोड कैसे किया जाता है और ऑटो कैड को आप ऑटो डिस्क की वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कैसे करते हैं, इसका यूजर अकाउंट कैसे बनाया, ऑटो कैड में यूजर अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूं। यहां पे आपने टाइप करना है ऑटो ऑटोडेस्क डॉट कॉम, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे आप इस साइट में चले जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, ऑटोडेस्क के अलावा आप यूटोरेंट से भी ऑटोकैड को डाउनलोड कर सकते हैं, के कैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको इससे पहले वाले जितने भी हमने ट्यूटोरियल देखे थे उसमें डाउनलोडिंग किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम करते थे तो हम कि कैसे डाउनलोड करते थे, कैसे डाउनलोड करने का कोर तरीका ये भी है। आप यहाँ पे जाएंगे, न्यू टैब ओपन किया मैंने और गूगल में यहाँ पे आपने टाइप करना है फ्री डाउनलोड ऑटो कैड 2015 फुल वर्जन ऑन किक केस। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये देखें 64 बिट मेरे पास यहां पे वर्जन पड़ा हुआ है, क्लिक करता हूं मैं तो किक केस से मेरे पास ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां से आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें काफी सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि पहले भी जो मैंने आपको डाउनलोडिंग के तरीके बताए थे तो उसमें यहां से लिंक गायब हो जाते थे, जिसकी वजह से फिर आपको डाउनलोड करने में बड़ा मुश्किल होता था। तो यहां से आपने डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड टोरेंट, और ये टोरेंट में फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको ये भी तरीका बताता हूँ, डाउनलोड टोरेंट पे क्लिक करेंगे, आप बस यहां पे देखिए डाउनलोड हो गया फाइल, और डबल क्लिक करेंगे करने के बाद इसको या बस यहाँ पे आ गया और इसको ओके करेंगे तो आप बस यहाँ पे देखें तो डाउनलोड टोरेंट में ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गया फाइल। तो मुझे तो नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, और टोरेंट अब आपने डाउनलोड करना है, टोरेंट भी आपको डाउनलोड आप करना चाहिए आपको फिर, क्योंकि टोरेंट के अलावा ये इंस्टॉल नहीं होगी। तो उसके लिए आप गूगल में जाके तो यहाँ पे आप लिखेंगे डाउनलोड यू टोरेंट, यू टोरेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने यू टोरेंट देखें डाउनलोड करेंगे और डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड आ गए यहाँ पे टोरेंट। गूगल से जाके आप सर्च करके यहाँ से कर सकते हैं बाय और डाउनलोड नाउ, ये देखें लिखा नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ऑटो कैड की जो भी इससे पहले वाले वर्जन या आज जो न्यू एडवांस वर्जन है वो आप ऑटो डिस्क फाइल से डाउनलोड करें, जो कि आपको 3 साल के लिए फ्री आपको लाइसेंस देती है। अगर आप डाउनलोड टोरेंट से करते हैं, किसी और साइट से भी करेंगे, तो आपको ये एक्टिवेशन जब आप करेंगे तो उसमें जब वायरस आएगा तो आपका एक्टिवेशन या क्रैक जो होता है वो डिलीट हो जाता है, एग्जी फाइल उसकी डिलीट हो जाती है। लेकिन यहां से आप बेशक डिलीट हो जाए, आपको ये वेरिफिकेशन कोड या लाइसेंस कोड दे दिया जाता है जो कि आपका 3 ईयर तक आपका ऑटोकैड वेरीफाई रहेगा। तो उसका पहला स्टेप जो है उसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे ऑटोडेस्क साइट पे जाना है। ऑटोडेस्क साइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन कम्युनिटी, क्लिक करेंगे इस पे। और यहां से अपने स्टूडेंट्स वर्जन आपने डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आप यहां पे देखें स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ आ जाता है नीचे गेट ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स पे। ओके, स्टूडेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पे देखें यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर, और नीचे आपके पास लिखा हुआ है सेकेंडरी स्टूडेंट्स, और यहां पे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे क्लिक करें यहां पे। बहुत आसान तरीके है, और आपको ऑटो डिस्क, ये जरूरी नहीं है कि ऑटो कैड के अलावा ऑटो डिस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर जिनमें 3D स्टूडियो मैक्स है, माया है, सारे सॉफ्टवेयर आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहां से डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास कौन कौन सॉफ्टवेयर है, 3D Max है, ऑटो कैड है, देखें फैशन 360 अल्टीमेट है, रिवेट है, माया है और इन्वेंटर प्रोफेशनल है, काफी सारे सॉफ्टवेयर है। तो मुझे तो ऑटो कैड चाहिए, तो मैं इसके लिए ऑटो कैड पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे आपको आप ऑटो कैड के लिए साइन इन होना पड़ेगा। तो साइन इन होने के लिए आपको ऑटो डेस्क में एक अकाउंट बनाना है, जिसके लिए आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है गेट अ फ्री 3 ईयर लाइसेंस टूडे। तो उसके लिए आप ऑटो डेस्क क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है। उस पर सबसे पहले कंट्री है, तो कंट्री पाकिस्तान में सिलेक्ट करता हूँ। आप जिस कंट्री में भी आप वो कंट्री सिलेक्ट करें, बर्थडे अपनी सिलेक्ट करें, यहाँ पे अप्रैल 20 1990, और यहाँ पे स्टूडेंट्स, और कौन सी कहाँ पे आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे क्लिक करें, कॉलेज है जहाँ के आप पढ़ेंगे, तो फॉर्मेलिटीज हैं नीचे, ये चीज़ अपने सही आपने अप्लाई करनी है। स्कूल या कॉलेज कौन सा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सराज यूनिवर्सिटी, और स्कूल वेबसाइट में लिख देता हूँ डॉट डॉट ओ आर जी डॉट कॉम, एक वेबसाइट मैंने ऐसे दे दी है फॉर एग्जाम्पल। और फर्स्ट नेम यहाँ पे दे दें, फर्स्ट नेम में देता हूँ सम्मी तैमूर, और ऑटोडेस्क अकाउंट है क्योंकि मेरे अकाउंट पे तो पहले बना हुआ है, जो मेरा तैमूर परवेज का एक मेरा अपना जो आईडी है, तो उस पे तो मेरा ऑटोडेस्क का अकाउंट बना हुआ है, इसलिए ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैंने एक अलग से अकाउंट दे दिए। यूजर नेम में देता हूँ, या फर्स्ट नेम भी यहाँ पे चेंज करता हूँ, तैमूर तैमूर, यूजर नेम तैमूर तैमूर परवेज 123, ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है, तो ईमेल एड्रेस तैमूर 90@gmail.com, और कंफर्म ईमेल देता हूँ मैं 90@gmail.com, पासवर्ड में इसको दे देता हूँ, अपने यहाँ पे पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड दे आपकी मर्जी, जो भी पासवर्ड दे, लेकिन हम ये ऑटोडेस्क का अकाउंट बना लें तो आप यहाँ पे जो मर्जी पासवर्ड दे सकते हैं। पासवर्ड कंफर्म करें, मैंने पासवर्ड क्या दिया था पहले, ये वो वाला याद ही नहीं रहा मुझे, मैं दोबारा देता हूँ, इनको चेक करें सबके, सबको आपने चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इसने बता दे, कह रहे प्लीज प्रोवाइड ऑल रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन अबाउ। अब इसमें कोई हमने क्या चीज़ नहीं दी, स्टूडेंट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिए, तो यहाँ पे मैं देता हूँ ऑब्जेक्शन में। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, द पासवर्ड डज नॉट मीट, पासवर्ड का इशू दे रहे हैं यहाँ पे, ओके जी अकाउंट तो बन गया, यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट बन गया। अब ये जो है हमारे पास, इसने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड सेंड किया होगा, तो अपने वेरिफिकेशन कोड आप अपने अकाउंट में जाएंगे तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे
मैंने यही अकाउंट दिया था, देख सकते हैं। और इस पे मुझे ऑटोडेस्क की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड आया है, उस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देखें तैमूर 1 2 3 4 5 मेरे आईडी है, और इस पे इसने वेरिफिकेशन कोड दे दिया। और इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है क्लिक द लिंक साइन इन। आप यहाँ पे इस नीचे और इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे, और यहाँ पे साइन इन की एक विंडो ओपन हो जाएगी और वहाँ से आपने साइन इन होना है। ओके, अब यहाँ से आपने साइन इन होना है, साइन इन होंगे यहाँ से। साइन इन ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइन इन में जो नाम आपने दिया था मैंने लिया था तैमूर 1 2 3 4 5, और पासवर्ड मैंने दिया था तैमूर 1 2 3। ओके, पासवर्ड भी मैंने दे दिया और यहाँ से मेरे से रजिस्टर्ड कर लिया। और अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटो कैड 2015 चाहिए, 2015 पे क्लिक करें, और लैंग्वेज इंग्लिश, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका है 32 बिट है 64 बिट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चेक करने के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि मैं यहाँ से आइकन अपने लाता हूँ, सामने लाता हूँ डेस्कटॉप आइकन, प्रॉपर्टीज में कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करके अपने प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ पे आपने देखना है कि आपके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, सिस्टम टाइप्स यहाँ पे देखें लिखी भी है, ये देख सकते हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपने यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरा है वो है 64 बिट। और उसके बाद आपने इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। और अब सबसे पहले तो आपका ये प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है, जो प्रोग्राम आपका इसका डाउनलोड मैनेजर है ऑटोडेस्क का, वो होगा देखें ऑटोडेस्क डाउनलोड मैनेजर है ये होगा, इसको फिर इंस्टॉल करना है आपने, इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट करनी है। डाउनलोड हो जाए फिर इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल करने के बाद ये खुद ही उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वहां से डाउनलोड करना स्टार्ट कर लेगा। तो टाइम थोड़ा सा लगेगा डाउनलोड करने में, आपको तकरीबन 3 4 घंटे लगेंगे अगर आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपकी अगर 4 MB स्पीड है या 2 MB, अगर 4 MB स्पीड है तो आपके तकरीबन 1 आवर में डाउनलोड हो जाएगा, अगर 2 MB है तो 2 आवर में डाउनलोड हो जाएगा, और 1 MB है तो फिर थोड़ा स्लो डाउनलोड होगा। और डाउनलोड करने के लिए आप वाईफाई का यूज़ बेशक ना करें, आप वायर के थ्रू आप अपने सिस्टम के साथ वायर लगा लें ताकि आसानी से और जल्दी डाउनलोड हो, क्योंकि जो आपका अगर वायरलेस करते हैं वाईफाई के थ्रू करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद अब ये डाउनलोड तो हो गया, इसको इंस्टॉल करना है मैंने, तो ये डाउनलोड में मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हुआ होगा ऑटोडेस्क 2015। थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये यहाँ पे, ओके यहाँ पे डाउनलोड में जाता हूँ, मेरे पास ये डाउनलोड हुआ है जी प्रोग्राम में सॉरी यहाँ पे प्रोग्राम में देखें ऑटोडेस्क मैनेजर है, रन करें इसको। यस, ये जो मैंने ये जो डाउनलोड ये वाला है ना ऑटोडेस्क, ये मैंने जो उससे किया था मैंने टोरेंट से कर रहा था, ये वो वाला डाउनलोडर है, डाउनलोडिंग है, एक्सेप्ट करें इंस्टॉल कर दें इसको। अब ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप ऑटोडेस्क से डायरेक्ट आपका जो सॉफ्टवेयर आपने जो भी डाउनलोडिंग करनी है तो वो डायरेक्ट डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें इंस्टॉलेशन में, जब तक मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वो तो डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ये चीज़ सामने आ गई है सेव, तो आपने लोकेशन यहाँ पे देनी है,
तो लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे से चूज करता हूँ, चेंज करता हूँ, चेंज करके आप डेस्कटॉप पे जहाँ कहीं आप देना चाहें डेस्कटॉप पे मैं से चेंज करता हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया। अब डायरेक्ट आपने यहाँ पे सिर्फ ओके करना है। अब जब आप ओके करेंगे तो ये देखें आपका, एक तो मैंने 3D Studio Max में डाउनलोड कर रहा था और दूसरा यहाँ पे देखें ऑटोकैड 2015 ये सॉफ्टवेयर वापस डाउनलोड हो रहा है। अभी जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोडिंग तो उसके बाद आप इसके डायरेक्ट आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देगा, आपने इंस्टॉल करना है। तो जो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो ये डाउनलोड हुआ हुआ पड़ा हुआ है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास जब ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको एक और मैसेज आएगा ऑटो डिस्क की तरफ से, वो एक ये मैसेज आया आपके पास, उस मैसेज में लिखा हुआ होता है आपका नाम लिखा होगा और उसमें देखें सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा, सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की लिखी होगी, और इसको आप हमेशा अपने पास सेव रखिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपका 3 ईयर तक आपको लाइसेंस मिलेगा ऑटो डिस्क का। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एक्टिवेट योर 3 ईयर स्टूडेंट्स वर्जन लाइसेंस फॉर ऑटो डिस्क ऑटो कैड 2015 विंडो 64, और उसके लिए आपका ये सीरियल नंबर है और ये प्रोडक्ट की है, तो इसको आप हमेशा सेव रखिएगा अपने पास। तो ये था डाउनलोडिंग करने का तरीका ऑटो डिस्क और ऑटो डिस्क के सॉफ्टवेयर ऑटो कैड को और 3D Max को। तो इसमें देखें 3 आवर मुझे टाइम दे रहा है ये, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लगा 2 आवर, 2 आवर मुझे टाइम दे रहा है, तो आपको भी टाइम देगा तो आपने डाउनलोड करना है। जब भी डाउनलोड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको इंस्टॉल करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा। साइज इसका जो है आपके पास, इसका साइज है तकरीबन 3 4 GB का साइज है, 3.96 GB इसका साइज है, देख सकते हैं, जबकि ऑटो डेस्क में 3D Studio Max का साइज है 7.27 GB साइज है इसका। तो ये तो मेरे पास इंस्टॉल किया, इसलिए मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। और नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको इंस्टॉलेशन की बताऊंगा, ऑटो कैड की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ऑटो कैड को डाउनलोड कीजिए, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।